देशों की है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। देश के प्रधानमंत्री के लिए कांग्रेस के अंदर इतनी नफरत पता नहीं कहां से आती है कि खुद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी प्रधानमंत्री को चोर कहते फिरते हैं। तो वहीं उनकी बहन और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी तो इससे दो कदम आगे बढ़कर बच्चों से चौकीदार चोर के नारे सुन रही हैं और खिलखिलाकर हंस रही हैं। मासूम बच्चों को राजनीति में घसीट रही प्रियंका गांधी के सामने यही बच्चे पीएम को इतनी भद्दी गाली देकर नारे लगा रहे हैं कि जिसका जिक्र करना भी बेहद शर्मनाक होगा। मगर इस नारे पर भी प्रियंका मुस्कुराती दिख रही हैं। ये अलग बात है कि बाद में वो बच्चों को मना करती हैं कि गाली मत दो। वायरल हो रहे इस वीडियो में जो गंदी राजनीति प्रियंका के सामने हुई उस पर कांग्रेस की छीछा लेदर मचनी तो तय थी, और हुआ भी वही। सबसे पहले अमेठी में राहुल गांधी को टक्कर दे रही केंद्रीय मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने जबरदस्त हमला बोलते हुए कहा कि यह अत्यंत अशिष्ट है। आप सोच सकते हैं कि जिनकी प्रसिद्धि केवल वंशवाद है उनसे प्रधानमंत्री को अत्यंत भद्दे शब्द सुनने पड़ते हैं। इस बात पर लुटियंस में गुस्सा दिखाई दिया क्या? बीजेपी नेता प्रीति गांधी ने इस वीडियो पर लिखा है, पीएम मोदी के प्रति आपकी नफरत इतनी गहरी है प्रियंका गांधी कि जब बच्चे उन्हें गंदी गालियां देते हैं तो आप खुश होती हैं। एक माँ होने के नाते क्या आपको एक मिनट के लिए भी शर्म नहीं आई? बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने इस वीडियो पर लिखा है, कोई इतना नीचे कैसे गिर सकता है? कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और गांधी नेहरू खानदान कितना खुश दिखता है जब बच्चों से पीएम मोदी को गंदी गालियां दिलवाई जाती हैं। ये कांग्रेस के प्रथम परिवार की वास्तविकता है। अपने भविष्य को बचाने के लिए वो भारत के भविष्य को खराब कर रही हैं। बीजेपी नेता मेजर सुरेंद्र पुनिया ने प्रियंका गांधी के इस वायरल वीडियो पर लिखा है, बच्चों से गाली गलौज करवाते देखकर शायद पीएम नरेंद्र मोदी प्रियंका गांधी वाड्रा से सिर्फ इतना ही कहते, नफरत हो जाएगी तुझे अपने ही किरदार से अगर मैं तेरे ही अंदाज में तुझसे बात करूं। पुनिया ने इस ट्वीट के साथ एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें प्रियंका गांधी बच्चों से चौकीदार चोर है और गालियां सुन रही हैं। तो वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी 15 अगस्त के मौके पर बच्चों से देशभक्ति के नारे लगवा रहे हैं। फर्क साफ है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे 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 जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। पीएम मोदी को गाली देना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता मणिशंकर अय्यर भी मोदी को नीच कह चुके हैं। तो बीएसपी सुप्रीमो मोदी की जाति बताती हैं। लेकिन विरोधियों की गालियों पर पीएम मोदी सिर्फ इतना ही कहते हैं, मैं गंदी चीज से भी खाद बनाता हूं और कमल खिलाता हूं। एक बार एक सज्जन जा रहे थे, लोग बहुत गालियां दे रहे थे, वो सुन रहे थे, हाथ लंबा कर करके उसको दे रहे थे और वो अपना स्वस्थता से चले जा रहे थे। तो कहीं पर पहुंचे तो लोगों ने उसे पूछा कि इतना सारा आपको गालियां दे रहे हैं, न जाने क्या क्या कह रहे हैं, चोर है, लुटेरा है, ये है वो है, आप क्यों ऐसा चल रहे हो? कुछ पर चिंता ही नहीं है आपको? आप पर कोई असर ही नहीं है? तो सज्जन ने कहा, देखो भाई, तुम बाजार में
कुछ भी लेने जाओगे और लिए बिना आओगे तो तुम्हारे घर कुछ आएगा क्या? आएगा क्या? जिसको जो देना है देता रहे, अगर मेरे जेब में जगह ही नहीं है तो मैं कहां ले जाता हूं? मैं अपनी मस्ती से गुजरता हूं। आप भी जिसको जो गाली देनी है वो सारी मोदी के खाते में पोस्ट कर दो, मोदी के खाते में पोस्ट कर दो, और मैं गंदी से गंदी चीज से भी खातर बनाता हूं, खाद बना देता हूं। कितना ही गंदा कूड़ा कचरा हो मैं उसमें से खाद बनाता हूं और उसी से कमल खिलाता हूं। क्यों अपने राजनीतिक अस्तित्व को खोने की बौखलाहट में ये महामिलावटी लोग आए दिन सुबह शाम ये चौकीदार को गाली देने में जुटे हैं? उनको मेरे काम से ज्यादा मेरे नाम से समस्या है। पहले चाय वाले इतिहास से उनको दिक्कत थी और अब चौकीदार से हो गई है। मैंने क्या किया इससे ज्यादा उनको इस बात की चिंता है कि मैं कहां पैदा हुआ, किस परिवार और किस समाज से उठकर मैं ऊपर आया। यही गणित, यही एहसास दिलाने का प्रयास कदम कदम पर ये कर रहे हैं। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। कांग्रेस के नामदार जगह जगह कहते फिर रहे हैं कि मोदी जैसे तो हम अमीरों के यहां चौकीदारी करते हैं। क्या ये शब्द शोभा देते हैं क्या? कांग्रेस के एक राग दरबारी मुझे शौचालय का चौकीदार बोल रहे हैं। शरद पवार जी की पार्टी के नेता चौकीदार को जाहिल बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर में इनकी महामिलावट के एक साथी कहते हैं कि मोदी को देश चलाना नहीं आता है। भाइयों और बहनों, देश कैसे चलना चाहिए? क्या वैसा चलना चाहिए था जैसा 2014 से पहले चल रहा था, जब जवान भी परेशान था, किसान भी परेशान था और नौजवान भी निराशा में डूबा था? यूरिया के लिए लंबी लंबी कतारें लगा करती थी, किसानों को लाठियां खानी पड़ती। विदर्भ के किसानों के लिए पैकेज घोषित होते थे, वो बिचौलियों की जेब में चले जाते थे। किसान के पानी के हजारों करोड़ रुपए एनसीपी और कांग्रेस के लोगों की जेब में चला जाता था। क्या देश ऐसे चलना चाहिए था? झीलों के शहर, इस शहर को जिन्होंने अपने कुशासन से बूंद बूंद पानी के लिए तरसा दिया, क्या ऐसे देश चलना चाहिए था? कोसी खुर्द बांध, धापेवाड़ा और झांसी नगर परियोजनाओं के साथ इन्होंने जो बर्ताव किया, क्या ऐसे देश चलना चाहिए था? हम इन परियोजनाओं को पूरा कर रहे हैं जिससे यहां के किसानों की दिक्कत दूर की जा सके, इसका फायदा आपको मिलना शुरू भी हो गया। साथियों, मोदी को देश ने चौकीदारी दी तो उसके पीछे की भावना स्पष्ट थी। इसी भावना के अनुरूप काम करते हुए आपके इस चौकीदार ने धान, तूर सहित 22 फसलों का एमएसपी लागत का 1.5 गुना तय कर दिया। इतना ही नहीं, कांग्रेस एनसीपी की जब सरकार थी तो 5 वर्षों में महाराष्ट्र में इन्होंने जितनी दाल खरीदी उससे 15 गुना ज्यादा दाल ये चौकीदार की सरकार ने खरीदी है। और अभी हमारे देवेंद्र जी आंकड़े दे रहे थे
कि उनके समय कितने कोटि का काम हुआ और इनके समय कितना कोटि का काम हुआ, हिसाब साफ साफ है भाई। इससे किसानों को तो अच्छे दाम मिले ही हैं, गरीबों को उचित मूल्य पर दाल भी उपलब्ध हो पाई है। साथियों, 2022 तक जब हिंदुस्तान की आजादी के 75 साल होंगे, मेरा सपना है और आपके आशीर्वाद से पूरा भी होने वाला है।